मैं योगेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों हर बार की तरह स्टडी की क्लासेज चालू हो गई हैं और हर बार की तरह मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि अपने पॉलिटी के ऊपर है। और स्टडी जी के जो भी क्वेश्चन है मैं करा रहा हूँ अभी तो पॉलिटी के हैं और आगे की मैं बात कराऊंगा। तो आज का जो टॉपिक होगा क्वेश्चन का वो होगा संसद का। संसद में के ऊपर जो क्वेश्चन बने हैं या अभी तक जो भी एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन बन गए तो वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इस वाली क्लास में तो नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट क्लास जो भी होंगी एक दो जो भी क्लास लगते हैं उसमें सारे संसद के जो भी टॉपिक होंगे वो सारे करा दूंगा। ठीक है दोस्तों शुरू करेंगे आज की क्लास टाइम खराब ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं किसके, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है किसके, जो जो कि विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके उसके सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो अपनी 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी, 30 वर्ष। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे होता है। तो लोकसभा होती है और लगती है तो जो अगर किसी कारणवश अगर उसे स्थगित करना हो ठीक है तो उसका अधिकार किसके पास है, वो अपने बात के राष्ट्रपति के पास है। किसके, राष्ट्रपति ही है जो कि लोकसभा लोकसभा को स्थगित कर सकता है। ठीक है दोस्तों और सभी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी लोग सभी दोस्त इस क्लास को ले सके और फायदा ले सके इसका। ठीक है दोस्तों और जो भी दोस्त नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो जो लोकसभा की जो बैठक होती है वो शुरू करने के लिए कितने सदस्य, लगभग जो कुल सदस्य होते हैं अपने तो लिखेंगे कुल सदस्यों का दसवां भाग। ठीक है कौन सा, जो जितने भी लोकसभा सदस्य होते हैं उसका कम से कम 10% दसवां भाग जो होता है वो उतने सदस्य होंगे तो लोकसभा की बैठक शुरू होगी। ऐसे अगर 100 हैं तो 100 में से अगर 10 आएंगे तो बैठक शुरू हो जाएगी, अगर 100 में से 10 में से 9 भी रह गए तो संसद की बैठक शुरू नहीं होगी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो अगला है यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं। जो एक बिल होता है तो बिल को यह बताने का अधिकार किसको है, यह बिल है कि नहीं, मुद्रा बिल है कि नहीं, तो यह है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है अपने स्पीकर उसे है यह अधिकार जो कि यह तय करेगा कि यह बिल मुद्रा बिल है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के पद को क्या, लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा। अगर हमें लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाना है तो हमें लोकसभा में उसके अगेंस्ट एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा कि हम उसे क्यों हटाना चाहते हैं। ठीक है उसका रीजन देना पड़ेगा फिर उस पर संसद में कार्रवाई होगी तब उसके आगे जो भी प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या अपना, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती हैं। तो ये अपना इसका आंसर है संसद में जो है सारी अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। ठीक है किसमें, संसद में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए एक प्रस्ताव रखा जाता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है अपना स्थगित प्रस्ताव, वो सॉरी स्थगन प्रस्ताव होता है जिसका नाम है इसके द्वारा प्रस्ताव किया जाता है। ठीक है दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना,
तो अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद की जो लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? उसके अध्यक्ष करता है अपना लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष है जो कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। किसके? लोकसभा के। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या अपना, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? जो लोकसभा पहली महिला स्पीकर रही थी उनका नाम क्या है? उनका नाम है अपनी ये मीरा कुमार है। कौन है? मीरा कुमार है, जो कि संसद में सॉरी लोकसभा पहली महिला स्पीकर के पद पर नियुक्त की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? कौन करता है? चुनाव आयोग द्वारा परामर्श से राष्ट्रपति करता है। कौन? चुनाव आयोग द्वारा परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कौन सी समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? कौन सी समिति है वो? ये अपनी लोकलेखा समिति है जिसे जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, किसकी? प्राकलन समिति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने संसद को, किसको? संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी अनुसूचित जनजाति से किसी जनजाति को बाहर करना है या अंदर लेना है उसे। ठीक है, इसका जो अधिकार होता है किसको होता है? वो संसद को होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि, किसकी? मांग की राशि ₹100 से कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सांकेतिक कटौती। क्या? सांकेतिक कटौती। ठीक है दोस्तों, सांकेतिक कटौती कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री के मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया जा रहा है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा अपना विशेषाधिकार प्रस्ताव। कौन सा? विशेषाधिकार प्रस्ताव है जो कि वो कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला है, सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि कम करके ₹1 करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पॉलिसी में असम्मति कटौती। कौन सी? पॉलिसी में असम्मति कटौती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो भारतीय सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ये ली गई है अपने ब्रिटिश संविधान से। किससे? ब्रिटिश संविधान जो है वहां से ये उठाई गई है अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद का जो अपर हाउस होता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं हम राज्यसभा के नाम से। किससे? राज्यसभा के नाम से संसद के अपर सदन को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी साधनों का नाम बताइए। दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो कौन कौन सी है? एक तो अपनी है लोकसभा। कौन सी? लोकसभा। और एक है विधानसभा। ठीक है, ये दो जो सदने हैं ये अस्थाई सदने हैं जो कि कभी भी भंग की जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। तो राज्यसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, राज्यसभा को भी भंग किया जा सकता है, पर राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है? किसी को नहीं। ठीक है ना, राज्यसभा जो है किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती, यह एक
स्थायी सदन होती है, ठीक है दोस्तों, इसे किसी के द्वारा भंग नहीं किया सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि संसद से थे पॉलिटी के, और सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और इस क्लास को आप लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपके अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, जब तक के लिए थैंक यू।